सो वेलकम 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 बैक दोस्तों जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम आ गए एक और नई बैड वॉज के वीडियो के साथ और मतलब आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं बैड वॉस तो भाई मैं मैं क्यों पीछे हटूँ मैं क्यों पीछे हटूँ भाई सो so, हम एक और चैलेंज के साथ आ चुके हैं और ये हमने चैलेंज थोड़ा ख़तरनाक ले लिया है होपफुली एक विन तो कम से कम निकाल पाए इस चैलेंज के साथ सो so, इस चैलेंज में हम क्या करने वाले हैं बस पिकैक्स यूज़ करेंगे और कुछ नहीं यूज़ करने वाला भी मैं पूरे गेम में वेपन uh, और टूल के नाम पे सो लेट्स सी कैसा जाता है होपफुली अच्छा जाए और एक विन तो निकाल ही ले और नैदा गेम्स की लॉबी तो बहुत ओपी दिख रही है यार कुछ भी बोलो ओपी दिख रही है सो लेट्स गो एक सोलो मैच के अंदर जल्दी से चलते हैं फिर होपफुली मेरे पिंग भी सही आए तो मैं पहले ही आप लोग को ये वार्निंग दे देता दे हूँ कि मैं वन प्लस के अंदर खेल रहा हूँ सो so, मेरी सेंसी के साथ बहुत ज़्यादा मैस्टअप हो गया है ओके निकनेम चेंज नहीं किया मैंने तो मेरा नाम रियल दिख रहा है और कोई मुझे पहचानने वाला नहीं है फिलहाल आप लोग में से आ, मैंने काफ़ी सारे लोग से मैं सजेशंस मांगते रहता हूं डिस्कॉर्ड के अंदर वॉइस पे तो उनमें से एक सजेशन मुझे आया था कि पिकैक्स ओनली करो जो कि पैका ही नहीं दिया था मुझे तो मैंने आ, सोचा क्यों ना क्यों ना ट्राई किया जाए क्या ये पॉसिबल है कि मैं पिकैक्स ओनली करके एक मैच जीत सकता हूँ बेड रॉक के अंदर सो so, यहाँ पे मैं तुरंत रश करने की प्लानिंग करके थोड़े से ब्लॉक्स लेके बाजू में स्पीड ब्रिजिंग करना स्टार्ट कर दिया और और एज एक्सपेक्टेड मैं कैसे भी पहुंच गया और उसका बेड भी निकाल लिया मैंने लेकिन मैं दिक्कत ये है कि मैं हाथ यूज़ करने वाला हूँ यहाँ पे तो होपफुली वो, वो नॉक ऑफ हो जाए और ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता ठीक है नहीं हुआ है इसके अंदर कास्ट जावा जैसी uh, क्या कहते हैं नॉकबैक uh, होता तो भाई कितना मज़ा आता ना लेकिन नहीं है पॉसिबल वो चीज़ सो so, यहाँ पे मैं पिकैक्स से एक बाय कर लेता हूँ ताकि कुछ तो भाई हाथ से लड़ने से अच्छा तो कुछ तो लड़ ही लूँ भाई पिकैक्स लेके सो so, यहाँ पे मैंने थोड़े से ब्लॉक्स ले लिए ताकि मैं बेड कवर कर लूँ बाई चांस कोई मिट से रश कर देता है तो मैं थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन लगा लूँ और चलते हैं फिर बाजू में होपफुली ब्लू ओके एक मिनट ब्लू ब्रिज बना रहा था कहाँ गया फिर बट ब्लू एल्यूमिनेट हो गया ओके नाइस मेरे को मेरे को नहीं पता ये कैसे हुआ बट ठीक है हो गया तो सही है चलते हैं मिड की तरफ और मिड में कुछ uh, खाते दारी करने वाला कोई तो होगा ही ना मतलब कोई ना कोई तो रहता है ओके नाइस पिंक कहाँ जा रहा है भाई ओके okay, नाइस nice, मैं भागता हूँ भाई बहुत ज़्यादा ही पास आ गया ठीक है सो so, एक मिनट वट इतना दूर से हिट कैसे लग रहा है मैं भी रन कर रहा हूँ भाई हेलो रीच भाई मैं भाग रहा हूँ वो भाग रहा है वो मेरे पास कैसे आ रहा है मुझे ये नहीं समझ आ रहा है मिनट मैं भी जंप कर रहा था वो भी जंप कर रहा था मुझे हिट कैसे कर पा रहा था ओके okay, नाइस nice. वन पॉइंट सिक्सटीन का लॉजिक मेरे को नहीं पता लेकिन होपफुली uh, ये हैक्स ही थे ठीक <laughs> है सो so, मैं यहाँ पे एक आर्मा ख़रीद लेता हूँ आयरन का और थोड़ा सा फाइबॉल और ब्लॉक्स ख़रीद लेता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है पिंक आएगा मेरे बेस पे ओके नाइस आ भी गया वो तो मैं इस्केप uh, कर सकता हूँ होपफुली ओके नाइस ओके नहीं भाई जस्ट बचा uh, अभी हमारे पास चांस है कि मैं उसका बेस ले पाऊँ और बो ले लेता हूँ मैं uh, अगर वो आता है तो मैं बो स्पैम कर दूँगा और थोड़े से फायरबॉल और ब्लॉक्स भी ले लेते हैं सो so, एक मिनट बट अगर आ, मैं बो यूज़ करूँगा तो ये टूल्स में नहीं आ जाएगा ओके okay, बो आ, बो वेपन के अंदर आता है ना तो ठीक है मैं नहीं यूज़ कर रहा सो so, मैं यहाँ से एमलर्ट्स ग्राइंड कर लेता हूँ भाई मुझे रश करके मरना नहीं चाहता हूँ तो यही एक ऑप्शन है मेरे पास फ़िलहाल तो और एम्ब्रोल से मैं थोड़ा सा एक फ़ायदा भी उठा सकता हूँ मैं एम्ब्रोल से लेके इनविजिबल पोशन यूज़ करके उसके बेस पे जाके तोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं तोड़ तो सकता ही हूँ सो so, बारह गए हमारे पास और चलते हैं किसी के बेस पे ताकि मैं शॉपिंग कर पाऊँ थोड़ी सी और कोई भाजू वाला ना आ जाए मेरे पे तो मैं अपने बेस पर तो नहीं जाने वाला क्योंकि पिंक मेरे पास मेरे पास आ रहा होगा उसको मेरा मतलब खून चाहिए क्योंकि वो चाहता है कि भाई फ़ाइनल किल मिले या फिर मैं उसके बेस पर ना जाऊँ जो कि होने वाला नहीं है सो so, मैं यहाँ पे से आमा खरीदता हूँ एक डायमंड का फटाक से और छः का मिलता है मुझे पता ही था वो ओनली करूँगा किसी दिन बैठ के भाई तब तब तो वो वो स्पैम पे स्पैम लगाऊँगा फिर देख लो तुम <laughs> कितना वो स्पैम मैं सो यहाँ पे मैं एक मिनट पोशन आगे पीछे हो रखे है तो मैं उसको सही से मैनेज करना पड़ेगा मुझे चलो कोई नहीं मिट पे चलते हैं और देखते हैं कोई आया है क्या हिस्सेदारी लेने मिड पे एमडर्स की Uh, एक मिनट एक्वा जिंदा है और एक्वा तो मेरे हिसाब से मेरे पे आ भी नहीं रहा है वो तो शायद डायमंड ही ले रहा है मोस्टली एक मिनट मैं पोशंस को नहीं मूव कर पा रहा था okay, so ये ग्लिच ऐसा है वन पॉइंट सिक्सटीन का कि मैं पोशंस को एक बार इन्वेंटरी में जहाँ ले लिया वहाँ से मूव नहीं कर सकता तो ये भी अलग चीज़ है भाई कोई नहीं तो मैं पिंक के बेस पर चलता हूँ और विजिबिलिटी स्पीड और जंप शादी ले, ले लेता हूँ और होपफुली पिंक अपने बेस पे नहीं होगा और उसके बेस पे ट्रैप भी नहीं होगा क्योंकि मुझे मैजिक मिल देना भूल गया मैं ओके okay, सो so, मैं जंप भी नहीं कर पा रहा इतना ऊपर ओके नाइस इस मैंने ब्लॉक्स प्लेस करके चल दिया और अभी तो वो बेस पे है नहीं तो जल्दी से तोड़ देते हैं फटाक से पिकैक्स निकाल के पिकैक्स से मारना भी है पिकैक् से तोड़ भी सकते हैं अच्छा फ़ायदा है सो so, यहाँ पे मैंने आ, थोड़े से और रिसोर्सेज ले ली और पिंक मेरे को नहीं लगता वापस आने वाला है क्योंकि उसका बैट टूट गया तो वो क्यों ही आएगा उसको लगेगा मैं सॉट यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास अच्छे खासे गियर होंगे बट क्या पता उसको चलो कोई नहीं तो यहाँ पर थोड़ा अरेंज कर लेते हैं ओके okay, नाइस nice. तो ये एम्बलर्स का क्या काम है इनविजिबल पोशन लेके मैं दूसरे बेस पे भी रश्मा मार सकता हूँ नाइस nice. तो मैं मतलब मेरे को क्या करना है एक्वा का बेस तो तोड़ना ही नहीं है पिंक तो खुद ही चला जाएगा एक्वा का बेस एक मिनट पिंक एलिमिनेटेड ओ नाइस ओके okay, तो मेरे को एक्वा का बेस इधर ही कहीं दिखाता था ना आगे कहीं एक मिनट मैं डायमंड्स भी ले सकता हूँ ना जब तक ये एक्वा अपना ग्राइंड कर रहा है डायमंड्स का तो मैं भी थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लगा ही लेता हूँ जब मेरे पास डायमेंड आर्मन है तो मेरे को फ़ायदा मिलेगा उससे एक मिनट डायमंड्स नहीं था एक मिनट ये नए अपडेट में कुछ सीन हुआ है क्या कि डायमंड स्पॉनर पर अगर कुछ टाइम बाद अगर आप आते हो तो डायमेंड्स रहते नहीं हैं या फिर कुछ लिमिट बाद वो डी हो जाते हैं पता नहीं भाई ये नए अपडेट में भाई क्या क्या आया देख ही सकते हो मेरे मेरे मैं अब जस्ट ही खेला रहा हूँ तो दो बक्स मिल गया मुझे ओके तो ये एक्वा यहाँ पे घूम रहा है तो मैं क्यों ना उसके बेस पे जाके थोड़ा सा स्कैम कर दूँ उसके साथ ओके एक्वा ने फायरबॉल मारा फायरबॉल मार के वो अपने बेस पे जा रहा है शायद है ना तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसके साथ थोड़ा सा आ, मजे लेते हैं ताकि वो मेरे साथ ही घूमता रहे और फिर ये मेरे पीछे घूमते घूमते मैं उसका बैट तोड़ दूँ और फिर फायरबॉल मार के उसको सरप्राइज़ दे दूँ तो मेरे साथ तो आ रहा है बाजू में ओके एक फायरबॉल यहाँ पर वेस्ट कर देता हूँ ताकि उसको पता रहे कि भाई मेरे पास फायरबॉल है ओके नहीं मेरे को लगा वो वर्ड में जाता है तो भाई वो अपने बेस पे चला जाता है अच्छा वर्ड में नहीं गया तो इसका बेस कहाँ था इस साइड था चलो चलते हैं फिर वो मेरे पीछे आ रहा है इतना तो कंफर्म हूँ मैं होपफुली वो अवॉइड ना करे क्योंकि चैट म्यूट है मेरी तो मेरे को दिखने वाला नहीं अगर वो अवॉइड करता है तो अभी तो नहीं दिख रहा वो मुझे बेस पे तो सही है नहीं दिख रहा था चलते हैं फिर पीछे आना तो चाहिए उसको लेकिन आ नहीं रहा तो कुछ गड़बड़ है क्या ओके नाइस वो बेस पे आ गया है सो so, मैं यहाँ पे एक और फायरबॉल मारता हूँ ठीक है कनेक्शन तो टूट गया है मैं यहाँ पे फाइट तो ले नहीं सकता अगर मैं ब्रिज पे फ़ाइट लेता हूँ तो भाई मेरा ही नुकसान है मेरे पास लास्ट लाइफ है ओके नाइस बट डोंट टेल मी इसका भी हिट बहुत ज़्यादा आगे लगने वाला है ओके तो मैं लेफ़्ट मूड जाता हूँ भाई मैं सीधा चढ़ूँगा तो मुझे ऐसा क्यों फील आ रहा है मेरी स्पीड स्लो है उनकी तेज़ है पता नहीं क्यों यार ऐसा ही हो रहा है चलो तो मैं आ, इधर चल लेता हूँ और इधर ब्लॉक कर देता हूँ मैं नाइस नाइस शीशॉफ इसको नॉक ऑफ वो नहीं छोटो 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 बच गया बच गया बच गया बच गया भाई वो सीढ़ियों की वजह से मैं मेरे को लगा वो ब्लॉक हो जाएगा ओके okay, मैं बैक एक यार उसने दो हिट मार दी हूँ वहाँ पर यार एक हिट तक तो मैंने सह लिया था कोई नहीं नाइस nice ट्राई अच्छा गया मैच इतना भी बेकार नहीं था सो so, ये है राउंड टू होपफुली एक विक्ट्री निकाल पाए ओके लेफ्ट साइड पे एक बेस दिख रहा है मुझे मे बी वो उसका बेड होगा और सामने भी वाइट दिख रहा है मुझे तो मेरे को थोड़े से ब्लॉक्स चाहिए ताकि मैं डायमंड जनरेटर पर जा पाऊँ और प्रोटेक्शन या फिर माइनिंग uh, फटीक ले पाऊँ अपने बेस के लिए तो वाइट तो मेरे को नहीं लग रहा रश करने के प्लान में है तो मैं बाजू में चलता हूँ फिर ओके तो डायमंड जनरेटर हथिया देते हम और आगे तो कोई है ही नहीं चलो ठीक है तो मेरे को एक ही साइड से खतरा है वाइट से और वाइट से सिर्फ खतरा है तो मैं ठीक है उसके हिसाब से रहूँगा एक पिकैक्स खरीद लेते हैं बाई चांस वो रश कर दे तो उसको नॉक बैग तो मिल जाएगी थोड़ी बहुत और यहाँ से हम एक माइनिंग फटीक ख़रीद लेते हैं बाई चांस वो आ जाए हमारे बेस पे तो ये भी हो जाएगा सिक्योर सो so, ये कर देते हैं हम पैक और अब माइनिंग फटीक से ये होगा कि ये बंदे तोड़ने में दस घंटा लगा देंगे जितने में मैं उनका बैट तो कम से कम ले लूँगा मेरा यही प्लान है भाई अब देखो जब तुम पी पी नहीं कर सकते तो फिर यही प्लान रखना चाहिए और अभी प्रोटेक्शन ले लेते हैं दो डायमंड से ताकि कोई हिट्स मार दे तो ज़्यादा हिट्स है पाए हम कम से कम क्योंकि क्योंकि क्या भाई वही वही एक चाह ही है तुम्हें क्या लगता है मैं पिकैक् से इतना कॉम्बो चढ़ा दूंगा कि वो एक हिट भी नहीं मारता है ये पॉसिबल नहीं है सपने देखना बंद कर दूँ सो यहाँ पे मैं स्टेयर केस बना रहा हूँ और बाजू में चलता हूँ होपफुली उसके पास फायरबॉल ना हो और हो तो अभी ही मार दे वरना दिक्कत हो जाएगी ओके फायरबॉल है नहीं नहीं है नाइस nice. सो so, ये ऊपर बिल्ड कर रहा है तो मुझे कोई दिक्कत एक मिनट बट मैंने उसके उस पर तो मारा नहीं था उसका वो कैसे टूट गया चलो आई डोंट केयर तो यहाँ पे बैठ जाके ले लेता हूँ मैं और उसको नॉक ऑफ करने की ट्राई करता हूँ ओके okay, एप्पल से मार दिया मैंने ओके <laughs> okay, एप्पल से मारना अलाउ है वेपन और टूल्स में से काउंट नहीं होता वो ठीक है सो so, यहाँ पे ग्रीन मेरे बेस पे जा रहा तो मैं उसके बेस पे जाता हूँ क्यों ना क्यों ना ग्रीन एक काम किया जाए तू मेरा बैड ले मैं तेरा बैड लेता हूँ एक ट्रेड साइन किया जाए तो तो मैंने यही डिसाइड कर लिया भाई अब ग्रीन को नॉक ऑफ करने से बढ़िया उसके पीछे जाने से बढ़िया मैं उसके बैट लेने चले जाऊँ ना ये ज़्यादा वर्थ है और मुझे ऐसे क्यों फीलिंग आ रही है अभी तक उसने मेरा बैट नहीं तोड़ा तो वो मे बी मेरे बेस से चला गया या फिर मेरे पीछे आ रहा है ओके okay, नायस nice, उसने अवॉइड कर लिया था यार एक तो चैट म्यूट रखने का ये एक नुकसान अलग है ओके मैं उसको ब्लॉक प्लेस करने से पहले बैट तोड़ सकता हूँ उसका अरे जस्ट बैट ओके नाइस फाइनली ग्रीन का बैट मिल गया कोई बात नहीं ग्रीन मार वैसे भी हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते न, मेरा ही बेस बचा है वैसे एक्वा के अलावा एक मिनट एक्वा यार खुल जा भाई ये इन्वेंट्री छोड़ना ओके ब्लू बचाया अभी तो ठीक है ब्लू बचाया एंड ग्रीन का एक बंदा बचा है ग्रीन तो भाई बदला लेगा पक्का तो ग्रीन को संभालना ज़्यादा जरूरी है ओके नाइस ये आ रहा है यहाँ पर मैं इसको फायर बॉल मार सकता हूँ यहाँ पर बट ओके नाइस उसको पता है मेरे पास फायरबॉल है वो पीछे हट गया बढ़िया भाई तू ग्राइंड कर ले ग्रीन जाके वहाँ पर फायरबॉल मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रहा है वो फायरबॉल ग्राइंड करने का <laughs> ताकि वो मुझे नॉक ऑफ कर पाए बट फेल हो गया तू ओके नाइस उससे डैमेज लगा उसको हाँ थोड़ा दो हार्ट का डैमेज लगा भाई ये मैं लिटरली मैं पिकैक्स से नहीं कर सकता कुछ भाई मैं गिव अप कर रहा हूँ एक तो ये वन पॉइंट सिक्सटीन पॉइंट टू हंड्रेड की सेंसिटिविटी ऊपर से ये पिकैक्स क्या ही कहूँ मैं छोड़ो भाई तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फायरबॉल ले लेता हूँ मुझे पता है वो रश कर देगा क्योंकि उसको टाइम मिल गया तो भाई वो ब्लू ने साथ दिया यहाँ पे <laughs> ब्लू ने एक तरफ से फायरबॉल मारा मैंने दूसरे तरफ से मारा वो बेचारा बीच में फंस के गिर गया नॉकबैक से <laughs> तो ये वो भी सीन था भाई मतलब बेचारा सोचा होगा ये क्रॉस टीम है ब्लू <laughs> लेकिन एक्चुअल मैं ये दी था ओके okay, मैं ब्लू को फायरबॉल मार के तो नहीं गिरा सकता इतना तो कंफर्म हो गया क्योंकि वो बहुत आगे आ चुका है एक मिनट मार के गिरा तो सकता हूँ मैं लेकिन फायर बॉल लेने के लिए वो ही नहीं आ रहा तो मैं एक काम कर सकता हूँ ब्लू का पीस ही लैक करवा सकता हूँ वही एक मिनट बट ब्लू कहाँ गया ओके ना एस वो अवॉइड कर दिया ठीक है सो तो उसको हम मौका नहीं देते हैं सीधा उसके बेस पे दर्श करते हैं और जहाँ तक मुझे याद है दैट के बाजू में ब्लू था तो मुझे इधर से जाने का कोई मतलब नहीं है इधर से चलते हैं और डायमंड्स भी मिल जाएंगी इसी बहाने तो एक मिनट चार डायमंड्स ओके नाइस तो, तो क्यों ना मैं अपने शॉप पे जाके चार डायमंड्स मिल ही गए हैं तो अपना प्रोटेक्शन टू कर लूँ तो मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन टू कर लिया और आर्मर एम थ्री तो नैन दो भाई नहीं कर पाऊँगा यहाँ से क्यों जा दो भाई ब्लू तो इधर से पास है सो ब्लू लॉन्ग कट ले रहा है और मैं शॉर्ट कट ले रहा हूँ देखते हैं कौन जीतता है यहाँ पे एक डायमंड्स पड़ा था मैं चाहूँ तो माइनिंग फटिक वापस ले सकता था बट uh, मेरे को मिड पे जाना है ताकि मैं ब्लू के बेस पे डायरेक्टली जा पाऊँ एक मिनट बट सो यहाँ पे मैंने स्पीड ब्रिजिंग सस्ती वाली स्टार्ट कर दी और Uh, हम मिड पे पहुंच गए सक्सेसफुली और इधर से मुझे ब्लू का बेस सामने दिख ही रहा है और मुझे ये देखना है कि ब्लू अभी मेरे बेस पे तो नहीं गया ना तो नहीं गया वरना बैट टूट ही जाता तो चलते हैं ब्लू के बेस पे जब तक वो लॉन्ग कट लेके पहुंचता है मेरे बेस पे तब तक मैं उसका गेम बजा देता हूँ तो यहाँ पर उसका बैट तो गया नाइस अब मुझे ये देखना है कि मेरा बैट कब टूटेगा ताकि मुझे ये कन्फर्म हो जाए कि वो मेरे ही बेस पे वरना भाई पता चला एम्बल्ड ग्रैंड का कल सो so, यहाँ पे वाटर भी ले रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि कभी एम करने का मौका मिल गया तो लगे हाथ वही कर लेंगे इन्वेंटरी अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्टकट्स की मेरे अच्छे नहीं हैं दैट्स वाई मुझे करना पड़ता है सो so, यहाँ से चलते हम ब्लू अपने रस्ते में होगा मतलब ओके okay, ठीक है दिख गया मुझे सो so, मुझे ये देखना है कि ब्लू को मैं एक जगह पे फ्रीज करवाता हूँ और आ, मेरा पीसी क्रैश होने से पहले उसका पीसी क्रैश करवा देता हूँ देखते हैं किसके पीस में ज़्यादा दम है ब्लू लेट्स सी ओके नैस तो आई थिंक वो लैग होगा ओके नैस ठीक है तो वो लैग होके लेकिन बेस पे पहुंच गया मेरे को लगा वो ब्रिज पे लैग होके रुक जाएगा तो मैं उसको फायरबोल मार सकता था बट नहीं ठीक है सो so, मैंने उसका दोनों तरफ से कनेक्शन तो तोड़ दिया ना वो इस साइड जा सकता है ना उस साइड जा सकता है कुछ टाइम के लिए तो मैं चलता हूँ उस पर रश्क करने और आई डोंट नो क्यों मैं रश कर रहा हूँ बट पता नहीं क्यों कर रहा हूँ बट ठीक है कर रहा हूँ तो सो so, यहाँ पे मैं चलता हूँ ऊपर और मेरे को लग रहा है कि अभी भी वो थोड़ा बहुत लैग हो रहा है और उसके फायर बॉल से मैंने कैसे भी जंप करके बच गया और उसको ये ये बॉयस भाई ये हेलो भाई हेलो इतना गंदा लैग हो रहा हूँ मैं इसके में अभी भी ठीक है सो so, ये मैं कह सकता हूँ स्पंज स्पैम करके अच्छा काम किया <laughs> हम तीसरे मैच में आ गए होपफुली एक और विन मिल जाता है यार दिन बन जाता लेकिन मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि नहीं मिलने वाला बट स्टिल ट्राई करना बनता है छोड़ो कोई नहीं सो so, ये यार वेटिंग लॉबी मस्त लग रही है कुछ भी बोलो लेकिन अब क्या कहे भाई क्रिसमस के लिए आइए न्यू ईयर के दिन कौन सी आएगी मेरे को देखना है मस्त है सो so, यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक्स लेता हूँ और एक एप्पल लेता हूँ एंड रश करता हूँ बाजू के बेस पर क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैंने उस पर रश नहीं किया तो वो ज़रूर मेरे पे रश कर देगा तो मैं रहम करने से बढ़िया उसको पहले जाके तोड़ ही देते हैं और यहाँ पे मैं सोच रहा था कि स्टेयर केस बना के थोड़ा ऊपर पहुँच जाऊँ और ऊपर ब्रिज स्टेट करना तो ये तो अलग ही सीन है मैं उसको नॉक ऑफ करके यार मैं बच गया था पता है मेरे को आगे जाना नहीं चाहिए था मैं उधर बच गया था वैसे सो दोबारा गया मैं तो पता नहीं सो वो बंदा टी एन प्लेस करके वॉइड कर गया इसका सेंस मुझे समझ नहीं आया बट ठीक है कोई नहीं छोड़ो तो यहाँ पे बैड अब उसको ओपन दिख रहा था और मेरी हेल्थ मुझे ऐसी दिख नहीं रही थी इस हालत में कि मैं उधर से जंप लगा कि उसका के उसका बैठ के ऊपर जाऊं बट मैंने फिर भी ट्राई किया और उस बंदे ने कॉम्बो चढ़ा दिया मुझे कॉम्बो क्या है यार दो सॉट के हिट भी लग जाते तो मैं उधर मरता इतना गंदी हालत थी तो चल देता मैं गोल्डन एप्पल ले के और फिर उसके बाद से मुझे पता लगा कि इसने जो टी एन टी प्लेस किया था उसकी वजह से ये ब्लॉक्स के बीच में गैप हो गए थे और दैट्स वाई वो बंदा गिर गया ब्रिज क्रॉस करते समय मैंने बोला ये भी सही है आराम से आके ये बंदा मेरा बैट तोड़ सकता था और ये सिनेरियो में ये गिर गया ठीक है बस nice. तो मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक्स प्लेस किए ताकि वो ऊपर ना चढ़ पाए और वो बंदा टी एन टी प्लेस करके फिर भाग गया और मैंने यहाँ पे टी एन टी सर्वाइव कर लिया कैसे भी और वो स्निक करने लगे अब स्निक करेगा भाई हाँ बहुत जल्दी स्निक नहीं करने लग गया तू अब इसका मतलब पता ही है तुझे ले बैट टूट गया ओके नाइस मतलब मैंने इतना परफेक्ट टाइम पे उसका बैट लिया जब वो वॉइड किया तभी मैंने उसका बैट तोड़ दिया वाह सही है ये भी तो मैंने यहाँ पे देखा तो बस एक ही बंदे का बैट बचा था जो कि वाइट था और वाइट मुझे लगा इजी है तो मैंने एमरल्स नहीं लिए मिड से और डायरेक्टली उसके बेस पे जाने के लिए जितनी भी रिसोर्सेज थी उसके साथ चल दिया फिर वो है तो मैं यहाँ पर स्पीड ब्रिजिंग करते करते रुक गया थोड़ा सा मेरे को लगा था कि उसके पास फायरबॉल होगा इस वजह से मैं रुका और एज एक्सपेक्टेड उसके पास निकला फायर बॉल तो मैंने फिर से इस केस बनाया और उसके बेस पे मैं फायरबॉल अभी भी मार सकता था बट तो उसका नुकसान हो जाता मतलब मेरा नुकसान हो जाता वो बंदा ब्लॉक्स लगा देता वहाँ पे और तो, लाइक मैंने ठीक किया यहाँ पे फायरबॉल ना मार के और वो बंदा मेरे लिए आ रहा था तो मैंने बोला कि वही वाली टेक्निक यूज़ करते हैं साइड में फायरबोल्ड मारेंगे और चमका के बैट ले लेंगे लेकिन नहीं हुआ नीचे से दिख रहा था बेड और उस बंदे ने इतना गंदा कॉम्बो छाया मैं उसको एक हिट ओके सो यहाँ पे मैंने थोड़े से फिर रिसोर्सेज़ लिए फिर वही काम किया सो so, मैं मैंने सोचा कि ये बंदा थोड़ा ज़्यादा ही प्रो या फिर सस्पिशियस लग रहा है तो क्यों ना मैं एमलेट्स इकट्ठा करके उससे पी वी पी करूँ मतलब लाइक इनविजिबल पोशन होके के देखूँ करके तो वो करके देखना था मुझे तो इसलिए मैं मेट पे जा रहा था भाई मैंने मेट से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया था अपना बेस और ना पता चले वो आ जाता और मेरे को सप्लाइज दे जाता पीछे से तो वो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए थी तो ये एक तो ये सिक्सटीन का सेंसी मैं ब्लॉक सेल पिटते ही पिटते आधा टाइम मर जाऊँगा तो यहाँ पे मैं गया और जितने भी एमरल्स थे वो मैंने सोचा पिक कर लेता हूँ और एज एक्सपेक्टेड उसने अभी तक में तरफ नहीं आया था मतलब मैंने बोला कि क्यों ना मैं एक बार ट्राई करूँ फिर से अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं पीछे ऑफ कर लूँगा तो मैंने ये सोच के गया यहाँ पे और टी भी थे मेरे पास तो मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा और पास जाके टी ड्रॉप भी कर दे अब अब इस बार देखना इस बार थोड़ा और ज़्यादा ये बंदा वैसा लगेगा तुम्हें कि हाँ भाई कुछ तो है गड़बड़ी है यहाँ पर मैंने एक टी एन टी ड्रॉप किया टिक उसने जंप किया के कि मेरे को हिट मारा कोई दिक्कत नहीं आई ये यहाँ पे टी एन टी ड्रॉप हुआ उसका बैड ओपन हुआ उसने इतनी जल्दी सिक्योर करके मुझे लाइक देख रहे हो अब मैंने बोला भाई एक ही तरीका है इनविजिबल पोर्शन लो और इसके बेस पर चलते बनो तो मैंने दो एमरल्स मिट से उठाए और इसके बाजू वाले बेस के शॉप पे भाग गया इनविजिबल पोर्शन लेने तो यहाँ से मैं उसके एक्वा के बेस पे गया जो कि इसके बाजू में था और इसने पानी भी लगा दिया था तो भाई मुझे इनविजिबल पोर्शन अब चाहिए ही था और कोई तरीका था नहीं और यहाँ पर मैं जम करके ब्रिज डिश पर ले लिया इनविजिबल पोर्शन बट मेरे को वो दिखा नहीं क्योंकि ना एक होता ना कोने में थोड़ा सा दिख जाता है हिंद टाइप का कि एक बंदा है कोई वो चीज़ नहीं दिखी मुझे और मैंने आइटम शॉप से ले लिया एक इन्विजर पोशन बोला कोई बात नहीं छोड़ो हमें क्या मतलब है इन्विजर और स्पीड पोशन दोनों और मैंने एक डायमंड की पिकैक्स भी ले ली थी मुझे लग रहा था कि भाई मे बी मेरा वुड की पिकैक्स है इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पा रहा उसको और ज़्यादा डैमेज नहीं हो रहा और नॉकबैक नहीं हो रहा तो इस वजह से मैंने डायमंड की पिकैक्स तक अपडेट कर दिया था और मैं यहाँ पे गया उसके बेस पे जब तक मैं ब्लाइंड था और तो मैंने उसको फायरबॉल मार के तोड़ दिया उसका आधी डिफेंस एक्चुअली उसके वुड पे आ गया था और मैंने वुड को हाथ से तोड़ दिया बट मुझे यहाँ पे भी वो अपने बेस पे दिखा नहीं क्योंकि कहीं नहीं था वो तो मुझे मेरे को शक हो गया कि भाई वो मेरा बैड ट्रेड करने गया है और वही चीज़ होने वाली है जो मैंने सोचा था और अब ये बंदा मेरे साथ वन वी वन करने आएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है मुझे ये हिट्स तो ये मोस्टली जीत जाएगा मेरे से वन वी वन में जो कि मुझे लगता है हो सकता है कि ये करें मेरे साथ तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक्स का यूज़ करके मिड पे जाने की ट्राई की वो तो यहाँ पे मैं उसके बेस पे था वो मेरे नीचे था और बीच में क्या हुआ भाई मेरी रिकॉर्डिंग रुक गई और ये बंदा मुझे देख ही रहे क्या चल रहा है भाई हाथ से मार रहा है वो बंदा इतना नॉक ठीक है पर तो मैं मेरे को देख के समझ भी नहीं आ रहा भाई इतना ज़्यादा डैमेज वो हाथ से कैसे दे रहा है गिरते समय अगर आप थोड़ा सा थोड़ा देर तक का देखोगे तो हाथ का उसका देखेगा तो ये है और अभी के लिए आपको अच्छा लगा ये चैलेंज तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब शेयर करना और हार्डकॉ की वीडियो इसके बाद से और डो की वीडियो एक आने वाली है बायोस वाली उसके बाद आपको मिलेगी सर्वर वाली वीडियो तो पहले ही बता देता हूँ एक दो टॉपिक्स बताऊँ आप लोग भी आके मुझे सजेस्ट कर सकते हो कुछ यूनिक चैलेंज मेरे डिस्कॉर्ट के वर्ष में अभी के लिए ही बाय बाय